सड़क पर युवक को बुलाकर बातचीत करने के बहाने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। मामला है फतेहपुर बेरी थाने इलाके का, जहां पर ग्रामीण सेवा में सवारी बैठाने को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए दो पक्षों के लोग सड़क पर मिलने आए, लेकिन पक्षों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमला हो गया, जिसमें कि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पहचान कपिल के रूप में हुई है। कपिल ने फतेहपुर बेरी थाने में इसकी शिकायत दी, जिसके आधार पर 308, 323, 341/34 के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। पूरी घटना बीती रात की है, जहाँ पर आपको बता दें कि एक विवाद को सुलझाने के लिए दो पक्ष के लोग सड़क पर मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले से ही घात लगाकर कुछ लोग बैठे थे, जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से कपिल घायल हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असोला फतेहपुर बेरी इलाके की, जहां पर मामूली से विवाद को खत्म करने की बजाय उसमें खूनी रंग देखने को मिला, कि खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें कि कपिल नाम का शख्स जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। कपिल नाम, कपिल क्या हुआ था जो आपका जो है, कौन थे वो लोग जिसने आप पे हमला किया, आपके साथ लूटपाट किया और आपके सर को? गांव के लोग हैं जी, कल जब सुबह झगड़ा हुआ था फ़ोन थोड़ा बहुत, अब उन्होंने बोला कि फतेहपुर आ जाओ, फतेहपुर मिलेंगे। अब मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, आपके पास आपको भी दिखा दूंगा मैं। अब उन्होंने आते नहीं, सीधे एक तो लड़का था, नाम था बलराम, उसने तलवार मारी है, और अनिल था, टीटू नाम है उसका, उसने सीधा चक्कू मारा है आँख पे, और उसका पापा था पहलू, वो बैठा था गाड़ी में, वो साथ में थे सारे, 8 जने थे लड़के। हाँ जी, मुझे वही सवारी के ऊपर कुछ बात हुई थी छोटे भाई से, उन्होंने फ़ोन करके मुझे भी बुला लिया। मैंने तो नॉर्मली बात करने के लिए, मैंने कि फैसला हो जाए, घर की बात है, उन्होंने तातने सीधा तलवार चाकू से वार किया मेरे पर, और फिर उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। कल कितने बजे की घटना है, ये किस जगह पर हुआ था? ये अपना फतेहपुर डिस्पेंसरी के सामने हुआ था, 9 बजे। अच्छा, हाँ जी, गाड़ी में सवारी भरने के कारण? हाँ जी, झगड़ा हुआ। 20 घंटे हो गए। हाँ, पुलिस ने अभी तक मेडिकल आपका हो गया, बयान लिया अभी तक? कोई बयान नहीं लिया, लेता है बयान, फिर उसके बाद कहते हैं दोबारा दूंगा। अभी फ़ोन किया था, कह रहे कि वापसी आ जाओ, फिर कह रहे कि 1 घंटे बाद आना। हाँ, मतलब ऐसे कुत्तों की तरह घुमा रखा है उसने। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं। एमएलसी उसी पुलिस वाले के पास है, जब भी उन्होंने सब कुछ लिख रखा है, जब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जो हमलावर थे वो किस चीज़ से पीटा आपको? उसने बलराम नाम का लड़का था, उसने तलवार मारी सर पे, और जो अनिल नाम है उसका नाम है टीटू बोलते हैं, उसने यहाँ पे चाकू मारा था मेरे, यहाँ पे 6 टाके हैं, सर में 17 टाके हैं। अच्छा, सर में आपके 17 टाके? हाँ जी। आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहता हूँ जी, और उनको सजा होनी चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ। ऋषिपाल जी, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ, जिस तरीके से बदमाशों ने इस तरीके से आपके बेटे का सर का हाथ पे मारा, क्या कहेंगे? ये क्या गलत करा हूँ? तो आपके सामने ये किस बात को लेकर इतनी पिटाई कर दी? क्या हुआ था बताइए पूरी बात। कुछ नहीं भाई, हमारा कोई वो नहीं था, वो गाड़ी चल रही थी, हम गाड़ी के आगे लगा के मारना शुरू कर दी। क्या कई दिन से झगड़ा भी चल रहा था? हाँ, वो थोड़ा बहुत हो गया इनका, पहले ही चल रहा था थोड़ा बहुत, ना हमें बताई किसी ने, उन्होंने भी ना इनने भी, वो भी गाँव गई, गाड़ी घोड़ा जो हमारी चलेंगी। कितने बजे की घटना है, आप लोगों को कब पता चला? हमें तो पता चला 9 बजे करीब, 9:15 घटना ही, 8:30, 8:30, 9 बजे की। अच्छा, उसके बाद आप लोग पहुँचे, बेटे को लेकर कहाँ गए? हॉस्पिटल गए, ट्रामा सेंटर। पुलिस का अभी तक रवैया कैसा रहा? बेकार। अच्छा, क्या हुआ, पुलिस ने क्या बयान दर्ज किया? अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो मारने वाले हैं वो घूम रहे हैं? हाँ, वो उल्टा आरोप लगा रहे हैं। कितने लोग थे जिन्होंने मारे? वो 8 जने थे। 8 जने?